नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई कॉइन किसी भी एक्सचेंज से डीलिस्ट होता है तो उसके दौरान आपको क्या करना चाहिए, उस कॉइन को ट्रांसफ़र कैसे करें और आपने जो कॉइन बाई कर रखा उसकी वैल्यू उस टाइम बहुत डाउन हो जाती है जब कोई भी कॉइन डीलिस्ट हो जाता है तो उस कॉइन को आप दूसरे एक्सचेंज पर कैसे ट्रांसफ़र करें, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी बाइनेंस एक्सचेंज ने काफ़ी कॉइन डीलिस्ट किए हैं, तो उस कॉइन में से BCN कॉइन का क्या है, तो इस तरह से आपको BCN कॉइन को कैसे ट्रांसफ़र करें। सबसे पहले आप फंड पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप बैलेंस पे क्लिक कीजिए। बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कॉइन आपके पास बाइनेंस एक्सचेंज पे हैं उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर एग्जांपल के तौर पर आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाइनेंस एक्सचेंज पर BCN कॉइन मेरे पास इतने कॉइन अभी रखे हैं, और जैसा कि वॉलेट देख रखे हैं सस्पेंड हो चुका है इसका, और विड्रा कर सकते हैं आप यहाँ से इसको या ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो विड्रा करेंगे हम इसको यहाँ से और दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, इस कॉइन को। तो इसका जो वॉलेट है वो सस्पेंड हो चुका है, तो विड्रा पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो सारे प्रोसेस आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बाइनेंस एक्सचेंज से किसी भी कॉइन को दूसरे एक्सचेंज पे कैसे ट्रांसफ़र करें, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 20 बिटकॉइन ये बाइट कॉइन का जो विड्रॉल एड्रेस है वो टाइप करना है, और उसके बाद आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, अमाउंट कितना है आपके पास कॉइन पड़ा है, ठीक है। तो 5494 इस पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, और ऊपर जो है यहाँ पे बाइट कॉइन का विड्रावल एड्रेस आपको टाइप करना है। तो कॉइन डील के ऊपर अगर आपका एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं कॉइन डील एक्सचेंज पर, ठीक है। तो मैं बाइट कॉइन को कॉइन डील एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो कॉइन डील एक्सचेंज के ऊपर आप अपना KYC कंप्लीट करने के बाद इस तरह से आपको जितने भी कॉइन है उनकी लिस्ट दिखेगी। तो इसमें बाइट कॉइन का वॉलेट भी ऑलरेडी दिखा रखा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है उसके ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए आप। तो सबसे पहले वॉलेट पे क्लिक करेंगे आप कॉइन डील के ऊपर। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद जितने भी कॉइन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। जो भी कॉइन की लिस्ट है वो आपको यहाँ पे आ जाएगी, और फिर यहाँ से आप जो सर्च है उसमें टाइप कीजिए BCN। BCN सर्च कर टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो वॉलेट है उसका जो मेन कॉइन का वॉलेट है वो आ जाएगा, और यहाँ से आप इसका वॉलेट एड्रेस लिख करके वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ BCN। जैसे BCN टाइप करेंगे तो जो बाइट कॉइन का जो वॉलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम इस जो कॉइन डील एक्सचेंज है इसके ऊपर जो बाइट कॉइन रजिस्टर्ड है इसका वॉलेट एड्रेस वहाँ पे पेस्ट कर देंगे बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं बाइटकॉइन, ये बाइटकॉइन का वॉलेट है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि इस पे 00 है अभी, तो राइट साइड में प्लस और माइनस और वॉलेट डिटेल्स ये दे रखा है। तो प्लस पे आप क्लिक करेंगे इधर, इस प्लस पे तो डिपॉजिट फंड, और माइनस पे क्लिक करेंगे तो विड्रा फंड और वॉलेट डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट फंड, हम इस वॉलेट के अंदर बाइट कॉइन को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसकी एक विंडो खुलेगी। तो इसमें जो वॉलेट एड्रेस देख रहे हैं आप बाइट कॉइन का डिपॉजिट, तो इस तरह से ये वॉलेट एड्रेस यहाँ से आपको पिकअप करना है, कॉपी करना है इसको, ठीक है। जैसे इसको आप कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, कॉपी करने के बाद इस एड्रेस को आपको पेस्ट करना है बाइनेंस जो एक्सचेंज है उसके बाइट कॉइन वॉलेट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे, और फिर आपको एड्रेस चेक करना है कि आपका एड्रेस सही है या नहीं, लास्ट के डिजिट और स्टार्टिंग की जो डिजिट है वो मैच होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और नीचे बाइटकॉइन विड्रॉल पेमेंट आईडी, इस पर क्लिक कीजिए नो पेमेंट आईडी, और नीचे अमाउंट डालिए 5494, इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। और सबमिट कीजिए इसको। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर कोड आएगा, जो कि मेरा इससे कनेक्टेड है ताकि आपका अकाउंट हैक ना हो सके। तो गूगल ऑथेंटिकेटर कोड में आपके पास अगर डाउनलोड है मोबाइल में, नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे मैं कोड डाल रहा हूँ, उसमें हर 30 सेकंड में एक कोड आता है जो कि आप इसमें डाल सकते हैं, उसके बाद आपका ये वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन ईमेल। तो कन्फर्मेशन ईमेल आपको अपनी ईमेल आईडी में जाकर के वहाँ पे देखना है, आपको एक मेल आएगा बाइनेंस की तरफ से, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो जाएगी, और यहाँ से एक घंटे या दो घंटे के अंदर आपका जो बाइट कॉइन है वो कॉइन डील एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा वेरी वेरी इजीली, और उसके बाद आप उस कॉइन की ट्रेड कर सकते हैं। जब उसका रेट बढ़े तो आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। वी सेंट ए कन्फर्मेशन लिंक,
तो जैसे ही आप अपनी मेल को चेक करेंगे आपका लिंक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ से फ़ंड है, जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ंड है, वो आपका वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका जो विड्रॉल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग बाइटकॉइन 5493, ठीक है 5493 एक उसमें फ़ीस में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं कि जैसा कि आपने बाइट कॉइन को बाइनेंस एक्सचेंज से कॉइनडील एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है, जैसा कि बाइट कॉइन यहाँ से डीलिस्ट हो चुका है, तो उसके दौरान आप क्या करें, तो ये प्रोसेस है। तो आप इस प्रोसेस को कम्प्लीटली फॉलो कीजिए और जैसे ही आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल हिस्ट्री में जा कर के चेक कर सकते हैं कि आपका जो बाइट कॉइन है वो ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी इसमें ये प्रोसेसिंग दिखा रहा है अभी, ठीक है। और जैसा कि राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे देख रखे हैं प्रोसेसिंग, लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है टोटल बैलेंस, ऑर्डर, अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे 0.5 दिखा चुके हैं ये, और राइट साइड में प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना जो कॉइन है, कोई भी कॉइन किसी भी एक्सचेंज से डिलीस्ट हो चुके, ये जो एड्रेस है ये आप एड्रेस देख रहे हैं, इस एड्रेस के ऊपर वो गया जी, यहाँ से आप एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। और ये जो एड्रेस है ये कॉइन डील एक्सचेंज का है, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो आ चुका होगा, ट्रांसफ़र हो चुका होगा सक्सेसफुली, और जो स्टेप्स हैं वो आपको प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलत एड्रेस कभी भी नहीं डालना है। और इस तरह से आप कोई भी कॉइन अगर आपने बाई कर रखा है, अगर वो डीलिस्ट हो जाता है तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी देर के बाद आप चेक करेंगे कि ये जो अमाउंट है 5493 मेरे वॉलेट में आ चुका है सक्सेसफुली दोस्तों, कॉइन डील एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं पेंडिंग है और थोड़ी देर में ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो मेन है वॉलेट में, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि जो कॉइन है वहाँ से हमने जो ट्रांसफ़र किया था वहाँ जीरो हो चुका है। तो ये बाइट कॉइन देख सकते हैं आप यहाँ पे फंड में जाकर के, जैसे आप बैलेंस में चेक करेंगे तो वहाँ पे वो 0.0 दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पर हो गया 0.5। ठीक है, और राइट साइड में देख रहे हैं कम्प्लीटेड दिखा चुका है वहाँ पे बाइट कॉइन कम्प्लीटेड हिस्ट्री, इस वॉलेट एड्रेस के अंदर यह जा चुका है। थोड़ी देर पहले प्रोसेसिंग आ रहा था इसमें और कॉइन यहाँ पर आ चुका है, 1 से 2 घंटे के अंदर आपका जो कॉइन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से। वेरी फास्ट प्रोसेस है, जैसा कि आप अभी इसमें चेक कर सकते हैं, यहाँ पे वॉलेट के ऊपर क्लिक किया आपने, उसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना है बाइट कॉइन का कौन सा वॉलेट है, तो बाइट कॉइन का यही रहा नीचे राइट साइड में आप देख रहे हैं बाइट कॉइन के वॉलेट में पहले 0.0 था, यहाँ पे 5493 कॉइन्स ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉइन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना है आपको, चाहे एक्सचेंज कोई भी हो, अगर आपका कॉइन डीलिस्ट वहाँ से होता है तो आप उसको इस प्रोसीजर को फॉलो करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी कॉइन को।